Hello everyone, welcome to my channel which is Learning Institute, and today I am going to discuss the syllabus of mathematics of BSc third year. So let's start the video. So paper first have real analysis, and paper second complex analysis, and paper third numerical analysis. और एक ऑप्शनल पेपर होता है जिसमें छः ऑप्शन हैं, नंबर थ्योरी और क्रिप्टोग्राफी, लीनियर प्रोग्रामिंग, डिफरेंशियल ज्योमेट्री और टेंसर एनालिसिस एंड प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर साइंस. सेकंड है लीनियर प्रोग्रामिंग, थर्ड ऑप्शन है डिफरेंशियल ज्योमेट्री एंड टेंसर एनालिसिस, फोर्थ ऑप्शन है प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर साइंस, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स. तो चाहे तो कोई भी ले सकते हैं. जैसे इसमें एक प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर साइंस है जो काफ़ी इजी होता है बाकी ऑप्शनल पेपर से. सबसे टफ इसमें माना जाता है डिफरेंशियल ज्योमेट्री टेंसर एनालिसिस को. लेकिन अभी फ़िलहाल विद्यापीठ में लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ाई जा रही है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग ही चुनिए. वरना अगर अदर कोई सब्जेक्ट लेते हैं तो खुद से पढ़ना पड़ेगा, अदर कोई पेपर लेते हैं तो इसलिए लीनियर प्रोग्रामिंग ही लेके चलिए, जिसे हर जगह पढ़ाया जाएगा और कायदे से वो समझ में आएगा. रियल एनालिसिस में हमें पढ़ना है सीक्वेंसेस. नाम सुना होगा कुछ, एल्जेब्रा में सीक्वेंस पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, फिर लिमिट और कंटिन्यूटी भी फर्स्ट ईयर में पढ़ा था. लेकिन वो फंक्शन था वन वेरिएबल का, ये फंक्शन है टू वेरिएबल का. तो यहाँ हम रियल एनालिसिस में कुछ चीज़ें पढ़ेंगे सीक्वेंस का, जैसे वहाँ सीक्वेंस पढ़े थे, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट वगैरह पढ़े थे. कुछ मिलती जुलती चीज़ें होंगी तो वो आती रहनी चाहिए. दूसरा है लिमिट कंटिन्यूटी ऑफ टू वेरिएबल, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल. तो अगर एक वेरिएबल के बारे में जानते रहेंगे तभी टू वेरिएबल को सॉल्व कर पाएंगे. आगे फिर हम पढ़ेंगे उसमें टेलर सीरीज़. टेलर सीरीज़ कैलकुलस में पढ़ा था, डिफरेंशियल में कैलकुलस में. मैक्सिमा मिनिमा भी पढ़ा था फर्स्ट ईयर में. और एक नई चीज़ यहाँ पढ़ेंगे, रीमान इंटीग्रल, ये चौथी यूनिट में. तो ये है फर्स्ट यूनिट में. और ये टेलर्स थ्योरम वगैरह आएगा यूनिट सेकंड. ये यूनिट थर्ड में और रीमान इंटीग्रल यूनिट फोर में. और ये पूरा पेपर जो है वो है 75 मार्क्स का. उसी तरीके से ये भी 75 मार्क्स और ये भी 75 मार्क्स, और जो ऑप्शनल पेपर लेंगे वो भी 75 मार्क्स का है. कम्प्लेक्स एनालिसिस में, जैसे ये रियल एनालिसिस है तो एक तरह से रियल फंक्शन हम यूज करेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे, रियल नंबर होंगे उनका एनालिसिस होगा. उसी तरह एक पेपर पढ़ना है जो कम्प्लेक्स है. तो कम्प्लेक्स नंबर और कम्प्लेक्स फंक्शन टाइप के मैथमेटिक्स को यहाँ करना है. तो कम्प्लेक्स की एनालिसिस करेंगे. यहाँ हमारा फर्स्ट यूनिट में आएगा यूनिट फर्स्ट CR इक्वेशन, कॉची रीमान इक्वेशन बोलते हैं इसको, CR इक्वेशन. देन आता है पावर सीरीज. ये चीज़ें हम मेन है जो पावर सीरीज और CR इक्वेशन वो यूनिट फर्स्ट में पढ़ेंगे. कन्फॉर्मल वगैरह आता है यूनिट सेकंड में, कन्फॉर्मल मैपिंग. और कम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है यहाँ यूनिट थर्ड में. और फिर सिंगुलरिटी एंड रेसिड्यू वगैरह ये चीज़ें आएंगी यूनिट फोर में. तो इस पेपर में ज़्यादातर चीज़ें नहीं हैं, सिर्फ आपका वो बेसिक तैयार होना चाहिए जो कम्प्लेक्स का इनिशियली वाला है, इनिशियल वाला. जैसे हम जानते हैं कि जो कम्प्लेक्स नंबर होता है वो कुछ है, इस टर्म में होता है, सपोज 2 + 3i. सो दिस इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर, हियर 2 and 3 आर रियल नंबर. तो इन सभी चीज़ों की जो डीलिंग होगी वो कम्प्लेक्स के थ्रू होगी. तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें पहले से नहीं पढ़े हैं, आप बेसिक चीज़ें सारी पता होनी चाहिए. जैसे इसका कंजुगेट होता है x - iy, ऐसा. फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह सारा कुछ मालूम होना चाहिए. तो बेसिक प्रॉपर्टी
हमें तैयार रखनी होगी इस पेपर को पढ़ने से पहले। इसके बाद जो नेक्स्ट पेपर है वो है न्यूमेरिकल एनालिसिस का। ये बिल्कुल नया है मैथमेटिक्स वालों के लिए, तो इसमें भी उसी तरह से चार यूनिट है जैसे हर पेपर में चार यूनिट है, और ये भी उसी तरह से 75 मार्क्स का है। तो इसमें कोई चीज़ बेसिक से नहीं है, सारी चीज़ें नहीं आएंगी, नए नए फॉर्मूले आएंगे और नई नई चीज़ें होंगी, तो इसको हम पेपर जब डिस्कस होगा तभी कर पाएंगे। अभी कोई पीछे की चीज़ें आपको पढ़ना नहीं है इसमें, ये बिल्कुल नया है। उसी तरह से लीनियर प्रोग्रामिंग बिल्कुल नया है, इसके बाहर ये प्रोग्रामिंग टाइप का है, मैथमेटिक्स करेंगे लेकिन एक प्रोग्राम जैसा चलेगा वो। तो ये पेपर भी बिल्कुल अनजान है, तो एक रियल एनालिसिस वाला पेपर है जो थोड़ा लगेगा कि हमने नाम सुना है इनका, सीक्वेंस वगैरह या लिमिट कंटिन्यूटी या टेलर्स थ्योरम, मैक्लॉरिन थ्योरम पढ़े थे, मैक्सिमा मिनिमा कुछ सुना सुना लगेगा। बाकी लगभग तीनों पेपर में ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स को छोड़ के कि जो नए टॉपिक हैं और बिल्कुल इनको नए तरीके से समझना है। अगर पीछे आपको फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मैथ नहीं भी समझ में आई है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे बड़े आराम से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो चारों पेपर थर्ड ईयर में आके, थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर में मैथ के चार पेपर होते हैं, चारों पेपर में सबसे लेंदी पेपर कॉम्प्लेक्स है और रियल एनालिसिस, ये दोनों पेपर कंपलसरी हैं और दोनों पेपर काफ़ी लेंदी हैं, बहुत बड़े हैं। उनके कंपैरिजन में न्यूमेरिकल एनालिसिस थोड़ा सा इजी हो जाएगा, भले नई चीज़ है, लीनियर प्रोग्रामिंग भी इजी है, भले वो नया है फिर भी वो आसान है। ये दोनों पेपर काफ़ी बड़ा है, और वैसे भी बीएससी सेकंड ईयर तक सिर्फ तीन पेपर पढ़ते आए हैं, यहाँ चार पेपर का लोड है। हाँ, एक सब्जेक्ट छूट जाएगा केमिस्ट्री या फिज़िक्स जो भी, लेकिन उसके बावजूद मैथ के चार पेपर को करना इतना आसान नहीं है पूरे ईयर्स में, और अब बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, तो बहुत जल्दी इसकी पढ़ाई शुरू करिए। मुश्किल से 6 या 7 महीने बचे हैं, तो चार पेपर और 6 टू 7 मंथ, तो लगभग 1 या 1.5 महीने में एक पेपर अगर ख़त्म करेंगे तब जाके कहीं ये ख़त्म होगा, तो बहुत जल्दी से शुरुआत करने की ज़रूरत है। इसके लिए हम बुक बता देते हैं कुछ बुक्स। तो रियल एनालिसिस और सीक्वेंस सिलेबस के हिसाब से तो बुक आती है एक आरपी पब्लिकेशन का, और ये काफ़ी है सिलेबस के हिसाब से, यानी तो एक वंदना पब्लिकेशन भी आती है, वंदना पब्लिकेशन, तो ये भी आप कर सकते हैं। और यही सारी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए भी ले सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए अगर और अच्छी बुक चाहते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए तो ले सकते हैं एचके दास, ये ऐसी बुक है जो आपको एमएससी में भी काम आएगी, अगर आप मैथमेटिक्स से एमएससी करते हैं या इवन फिजिक्स से भी एमएससी करेंगे तो उसमें एक पेपर आता है मैथमेटिकल फिजिक्स, जहाँ पे ये काम आएगा। एचके दास या और चर्चिल का भी बुक आता है, लेकिन ये काफ़ी स्टैंडर्ड है तो इससे भी काम चल जाएगा। या फिर एक और बुक आती है राजपूत के नाम से, राजपूत, ये भी काफ़ी मोटी है, मैथमेटिकल फिजिक्स के नाम से आती है, इसमें भी कम्प्लेक्स काफ़ी अच्छे से है। तो अगर आगे, अब डिपेंड करेगा कि हम आगे एमएससी करना है या मैथ छोड़ देना है, किस हिसाब से करना है, तो उस हिसाब से हम बुक की चॉइस करेंगे। अगर हमें बीएससी मैथमेटिक्स को केवल बीएससी लेवल तक रखना है तो सिलेबस वाइज जो बुक आती है वही काफ़ी है, अदरवाइज़ ये अच्छी बुक है, ये सारी ले सकते हैं, एच के दास या चर्चिल या फिर राजपूत का, मैथमेटिकल फिजिक्स के नाम से, जो मैथमेटिक्स केमिस्ट्री में भी काम आएगा और मैथ में भी काम आता है,
आगे न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए वही ले सकते हैं आरपी या फिर एक रामप्रसाद या फिर कृष्णा पब्लिकेशन भी आता है, कृष्णा पब्लिकेशन, ये बुक भी काफ़ी अच्छी है सिलेबस के हिसाब से। लीनियर प्रोग्रामिंग के लिए भी आप चाहें तो वही ले सकते हैं आरपी पब्लिकेशन, ये बहुत अच्छा है सिलेबस के हिसाब से, इससे ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब सरते अब टाइम वेस्ट करना के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है, तो जितना जल्दी हो सके आप क्लास से शुरू कर लीजिए और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कीजिए, क्योंकि 6-7 महीने में आपको 4 पेपर ये पढ़ लेना है, और इसके साथ साथ अगर दूसरा भी कोई पेपर लेते हैं जैसे फिजिक्स या केमिस्ट्री कुछ भी लेंगे तो वो भी अपने आप में कम नहीं होगा। 3 पेपर इसमें भी होते हैं और 3 पेपर इसमें भी होते हैं। फिजिक्स लेते हैं अगर तो चॉइस ऑफ कैसे लेंगे बीएससी में, ये भी ध्यान रखिए। अगर आपको मैथमेटिक्स आगे ले जानी है तभी आप मैथमेटिक्स को लीजिए, जैसे जैसे जो फिजिक्स है, फिजिक्स में जो प्रैक्टिकल है वो 100 मार्क्स का आता है और केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल 75 मार्क्स का है, बाकी 3 पेपर 75 मार्क्स के होते हैं, तो यहाँ चांसेस ज़्यादा हैं आपके मार्क्स उठने के। 100 नंबर के प्रैक्टिकल है 100 मार्क्स का और यहाँ 75 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, और मैथ मैथ में 75 मार्क्स के 4 पेपर हैं, तो ये 300 मार्क्स। तो पेपर लेते समय भी ध्यान रखिए कि हम कौन सा लें, अगर दोनों प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट लेंगे तो दोनों में नंबर काफ़ी आसानी से उड़ जाता है, लेकिन अगर मैथ ले रहे हैं तो आपको काफ़ी मेहनत करनी है, 4 पेपर पढ़ना है, चारों पेपर में ज़्यादातर पेपर अनजान जैसे हैं, बिल्कुल नहीं जानते आप कम एनालिसिस, न्यूमेरिकल एनालिसिस या लीनियर प्रोग्रामिंग, कम्प्लेक्स का थोड़ा बहुत हिस्सा प्रॉपर्टीज़ वगैरह जानते हैं इनिशियल, लेकिन वो बीएससी लेवल पे नहीं आता है, बीएससी लेवल यहाँ से शुरू है सीआर इक्वेशन से, तो ये बिल्कुल नया है। और रियल एनालिसिस में भी ये नाम सिर्फ सुना लग रहा है, बाकी चीज़ें सब नए तरीके से होंगी। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।